अपनी चाल भी अलग अलग तरीके से चली ही जा रही है आपके लिए, तो सीन क्या था, सीन के बारे में जानना। सीन यही था कि वो मुझे क्वेश्चन करे कि मैंने चकोर को क्यों रहने दिया, बट उनको नहीं पता था कि मैंने मेरे डैड से एक डील की है, वो है कि अगर आप समीर को जॉब देंगे तो मैं चकोर को हैंडल कर लूँगी घर पे, अदरवाइज़ मैं स्टैंड भी नहीं कर सकती चकोर को। तो अभी फ़िलहाल समीर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको जॉब मिलना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ उसके लिए मैंने चकोर को झेलने के लिए तैयार। एंजी को भी कहीं ना कहीं भरोसा हुआ था चकोर पे, बट अब सब कुछ मैसअप हो रहा है। हाँ, और डगमगा गया है थोड़ा सा। सेकंड चांस देने की मेरे को लगी थी कि ओके शी डिजर्व्स अ सेकंड चांस इतनी हेट्रेड के बाद भी, लेकिन फिर से पूनम जो मॉम है मेरी, उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में डाल दी कि वो पैसे ले रहे हैं मेरे लिए एंड वट एवर। सो मुझे वापस से गुस्सा आ गया और अब मैंने सोच लिया कि मतलब उस इंसान ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो आई थिंक एनजी की पूरी लाइफ मिसअंडरस्टैंडिंग में ही रह जाएगी। कब क्लैरिटी होगी उसकी, वो तो आपको उड़ान देखना पड़ेगा। तो ये ट्रैक कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक तरफ पूनम है, एक तरफ चकोर और एक तरफ समय, और बीच में है एनजी। हाँ, बट आई होप कि एनजी को, एनजी के सामने जो पर्दा है जो उसकी स्टेप मॉम और बुआ ने डाला है, वो जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि उसके डैड तो चाहते हैं कि वो चकोर को सेकंड चांस दे। सो लेट्स होप कि वो पर्दा जल्दी उठे और हम एकदम स्वीट सी स्टोरी चलाएं फिर। थैंक यू थैंक यू।